Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. पर मेरे लिए ना अगर आप T20 का विश्व कप देखें तो मेरे लिए सबसे जो अद्भुत बात हुई थी, हाँ ठीक है पाकिस्तान को हराया था फाइनल में 2007 में, पर यार ये जो बॉल आउट हुआ था ना ये क्या था, ये जब दिखा था उस टाइम पे, मेरे ख्याल से लोग भी अगर आप पुरानी कमेंट्री देखें, पुराने हाइलाइट्स देखें वीरू, तो लोग चिल्ला रहे हैं कि मैच टाई हो गया, मैच टाई हो गया। आई डोंट थिंक लोगों को भी पता था उस वक्त कि बॉल आउट नाम की एक चीज होती है, नया नया फॉर्मेट था, नया विश्व कप था। आप लोगों को पता था जब स्कोर टाई हुए थे कि बॉल आउट होगा इसके बाद डिसाइड करने के लिए? नहीं, हमको हर टीम को पता था कि अगर मैच टाई होता है जिसका भी तो वो दोबारा नहीं खेलेगी, ना पॉइंट शेयर होंगे। पहले क्या होता था, लीग मैच है ना, पॉइंट शेयर हो जाते थे कि ठीक है अगर मैच टाई हो गया तो दोबारा मैच नहीं होगा और आप आधे आधे पॉइंट बांट लोगे। बट उस समय पहली बार ऐसा हुआ था, अगर टाई हुआ तो बॉल आउट होगा, मतलब जो ज्यादा गेंदे विकेटों पे मारेगा बगैर बैट्समैन के वो मैच जीत जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, वार्म अप जब करते थे इंडियन टीम का तो कोशिश ये करते थे उस वार्म अप में पहले बॉल आउट से शुरुआत करते थे। सब अपनी अपनी बॉलें लेके जितनी भी विकेटें होती थी 3-4 उसमें लग जाते थे प्रैक्टिस पे कि भाई कौन बॉल है ज़्यादा मारेगा। तो ज़्यादातर हमारे स्पिनर मारते थे, फास्ट बॉलर से कम ही लगती थी। तो डिसाइड ही हुआ कि भाई चलो अगर बॉल आउट हुआ तो हम लोग पहले अपॉर्चुनिटी स्पिनर को देंगे, बाद में फास्ट बॉलर को देंगे। और मेरी सबसे ज़्यादा गेंदें लगती थी, तो जैसे ही बॉल आउट हुआ तो मैं इसके बाद मैं पहली बॉल मैं ही मार रहा हूँ, चिंता मत। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं मारूंगा या तो मैं ही मार रहा हूँ पहली बार और लगेगी, मैं कर रहा हूँ, मतलब ये कॉन्फिडेंस के साथ गया था। अरे वाह, उसके बाद मेरे को, हाँ जी बताइए। नहीं, फिर जब हमने बॉल आउट शुरू किया, पहले मैंने मारी, उधर से शायद उमर गुल ने डाली उसकी नहीं लगी, फिर हरभजन ने डाली वो भी लग गई, उधर से शाहिद अफरीदी ने डाली वो नहीं लगी, फिर रॉबिन उत्तपा ने डाली वो भी लग गई, और उधर से फिर लास्ट शायद इराफात थे उनकी नहीं लगी, तो वो याशिर अफराफात तो वो तीन पाकिस्तानी गेंदबाज, तीनों उनके मेन बॉलर थे जिन्होंने गेंदबाजी की, और उन तीनों में से एक ने भी नहीं मारी। और हमारे जो तीन में से दो पार्ट टाइमर थे, रॉबिन उत्तपा एक वीरेंद्र सहवाग, हम दोनों की लगी, हरभजन सिंह की भी लगी। कंचे बड़े तगड़े खेले हरभजन सिंह। अरे भाई, उस तरफ अराफात थे पर इस तरफ खुराफात थे, इसलिए लगनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों ही लगनी थी। मेरे को रॉबिन उत्तपा ने बड़ी बढ़िया बात बोली थी, कहते कि एक जो एमएस ने सही काम करा जो उनकी टीम ने नहीं किया, एक तो जो तेज गेंदबाज थे वो पूरी रन अप पे बॉल करके नहीं आ रहे थे, उनको लगा स्लो, पर वो तो आपका रिदम ही नहीं है, आपको आदत नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपका वो रिदम नहीं आएगा। दूसरी बात, एमएस ने बोला कि वो बिल्कुल, रॉबिन ने कहा कि एमएस बिल्कुल विकेट के पीछे खड़े हो गए, कि नॉर्मली जो विकेट कीपर है वो ऑफ के ऊपर खड़े होते हैं, ऑफ के पीछे, ऑफ के साइड पे खड़े होते हैं ऑफ स्टंप के, वो बिल्कुल विकेट के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने कहा मेरे को मार बॉल, मेरी तरफ फेंको बॉल। तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी थोड़ा सा कंपस थोड़ा सा डाल दिया वहां पे। तो ये छोटी छोटी चीजें फर्क करती हैं, क्योंकि भाई मैच आप जीते, फाइनल में जाओ जाते हैं तो सोचे कि जीते मैच। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इंडिया पाकिस्तान से अगर आप खेल रहे हो तो हर छोटी चीज मैटर करती है। तो मैं तो सरप्राइज था कि पहले तो टाई हो गया, क्योंकि दो बॉल में एक रन, किसी भी कहीं भी वर्ल्ड में खेल रहे हो आप, वो दो बॉल में एक रन तो बनना ही चाहिए। और ऐसा भी नहीं था कि लास्ट विकेट थी कि आउट हो गए तो चलो टाई हो गए, और विकेटें भी पड़ी हुई थी, तो वो भी सरप्राइजिंग था। थैंक्स टू श्रीशांत कि उन्होंने दो गेंदे इतनी बढ़िया डाली, आमतौर पर उतनी बढ़िया डलती नहीं। लास्ट में जब ऐसा दबाव आ जाता कि यार अब तो हार ही गए, तो फिर कोई प्रेशर इतना होता है कि यार अब ये दो बोले कैसे डालूंगा मैं, तो कहीं ना कहीं इधर उधर डली जाती है। बट वो भी कमाल की गेंदें डली, जो लास्ट वाली गेंद सीधा युवराज सिंह के हाथ में गई, उन्होंने भाग के रन आउट कर दिया। तो मैं, और दोनों बार मिस बॉल लगते, फाइनल में भी मिस बॉल लगी थे लास्ट में सही, और वहां भी पहले मैच में भी मिस बॉल लगी थी। तो थैंक्स टू मिस बॉल लक, कि इतने सीनियर एक्सपीरियंस खिलाड़ी होने के बावजूद भी वो मतलब चौक कर गए। भाई हिंदी में कहते हैं साडा हक एथे रख, और इंग्लिश में कहते हैं मिस बा वन रन, ही जस्ट मिस बा वन रन, यस मैन।